हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुदित गुप्ता। सो ये हमारा अगला वीडियो है ऑन करंट अफेयर्स, इन विच विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नोन एज पेगासूस। पेगासूस क्या है? बेसिकली इट इज़ अ स्पाईवेयर दैट हैज़ बीन मेकिंग राउंड्स इन द न्यूज़ रिलेटेड टू प्राइवेसी कंसर्न्स एंड स्नूपिंग। जो भी सर्वेलेंस होता है, स्पाइंग होता है, उससे रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर है कि अगर ये आपके फ़ोन में आ गया, इफ़ योर फोन इज़ इन्फेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, देन देयर मे बी पोटेंशियल डेटा लॉसेस, पोटेंशियल डेटा लीक्स एंड अदर प्राइवेसी रिलेटेड ब्रीचेस। ये सारी बातें, क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, सारी बातें करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑल्सो अन अकेडमी प्लस पे मेरे काफ़ी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं। पॉलिटी पे फुल फ्लेज्ड कोर्स आ रहा है, बेयर एक्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आ रहा है, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इसके अलावा सी सैट, करंट अफेयर्स राउंड अप आ रहा है बहुत जल्दी, साइंस एंड टेक, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये सारे कोर्सेज अलॉन्ग विद बजट इकोनॉमिक सर्वे इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, ये सारे कोर्सेज और गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर अलग से मॉड्यूल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं अनअकैडमी प्लस पे बहुत जल्दी। इसके अलावा नवंबर में ही, 6 नवंबर से एक आंसर राइटिंग के ऊपर कोर्स आ रहा है जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय रेफरल कोड मुदित गुप्ता। इफ यू विल यूज दिस रेफरल कोड मुदित गुप्ता, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। जितने भी क्लासेस अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, साथ के साथ आप डाउट रेजोल्यूशन, पीडीएफ्स और ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगी। और इसी के साथ English और हिंदी, इन बोथ द लैंग्वेजेस द लेक्चर्स आर अवेलेबल। यू कैन रीड समथिंग अबाउट मी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल t.me/mudit gupta एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन राइट टू मी एट muditgupta.upsc@gmail.com। तो आइए समझते हैं पेगासूस है क्या। पेगासूस समझने से पहले ये जो टर्म दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, स्पाईवेयर, लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ स्पाईवेयर इज। इफ यू टॉक अबाउट अ स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब होता है जासूसी, लीक ऑफ डेटा, लीकेजेस इन योर डिवाइसेस। स्पाईवेयर का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो लीक हो रहा है कहीं से। अब इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो सकता है, और इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस, कि कोई हार्डवेयर डिवाइस है, आपके ऑफिस में कोई आया, उन्होंने कहीं पे छोटा सा एक डिवाइस लगा दिया जहां से डेटा लीक हो रहा है, आपकी आवाज जा रही है या फिर वीडियो कैप्चर हो रहा है, उस तरीके से। दैट इज ऑल अ स्पाईवेयर। राइट नाउ पेगासूस जो है वो एक स्पाईवेयर है, मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इफ इट इज इंस्टॉल्ड इन योर फोन, आपके मोबाइल फोन में अगर ये इंस्टॉल कर दिया जाए तो जितना भी आपका डेटा है, कैलेंडर इवेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉल लॉग्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, चैट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पोटेंशियली लीक हो सकती हैं। सो पेगासूस इज अ स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिवली फॉर मोबाइल फोन्स। अगर आपसे प्रिलिम्स में पूछा जाता है पेगासूस वर्क्स अपॉन यू नो ओनली मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एट्सेट्रा, प्लीज नोट इट इज अ फोन ओनली सॉफ्टवेयर। जो पेगासूस न्यूज में है दैट वर्क्स ओनली अपॉन फोन्स, मोबाइल फोन्स। राइट, समझने वाली बात यह है कि ये फोन में आता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज माई मोबाइल फोन और मेरे ईमेल पे, लेट अस से जीमेल में या फिर थ्रू SMS I got some link. मेरे को कोई लिंक आया, I clicked upon that link, and after clicking upon that link, this software got installed in my phone without my knowledge automatically. मेरे पास एक लिंक आया, मैंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। अब मेरे को तो समझ आया नहीं, आया मैं कॉमन मैन, मेरे को इतनी समझ नहीं है टेक्नोलॉजी की, मेरे को नहीं समझ आया कि लिंक पे क्लिक करने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे मैंने लिंक पे क्लिक करा, कुछ कुछ हुआ, मेरे को नहीं समझ आया, लेकिन बैकएंड पे क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल चुपचाप ट्रांसपेरेंटली इंस्टॉल हो गया मेरे मोबाइल फोन पे। इस लिंक को यूजिंग विच द स्पाईवेयर गेट्स इंस्टॉल्ड इन योर फोन इज नोन एज द एक्सप्लॉइट लिंक। टेक्निकल टर्म्स में इसको बोला जाता है एक्सप्लॉइट लिंक, ऐसा लिंक जिसको यूज करके आपकी प्राइवेसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दैट इज व्हाट इज एन एक्सप्लॉइट लिंक इज, कि जिस पे क्लिक करके आपके फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो रहा है। राइट, सो दिस पेगासूस इज इंस्टॉल्ड विद द हेल्प ऑफ अ
with the help of an exploit link. और ये जो सॉफ्टवेयर है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NSO ग्रुप. NSO बेसिकली एक इज़राइल बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म है दैट डेवलप्स दीज सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर्स. सो देयर वुड बी एन एक्सप्लॉइट लिंक एंड इफ अ यूजर, इफ द टारगेट इज क्लिकिंग अपॉन दैट एक्सप्लॉइट लिंक, तो ये जो स्पाईवेयर है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा फोन में. अब जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे ये सारी जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजीज हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं. यूजुअली क्या होता है कि हमारे को एडवाइस किया जाता है कि यू शुड नॉट क्लिक अपॉन द लिंक्स एंड ऑल. तो आजकल के जो यूजर्स हैं दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, काफ़ी ज़्यादा वो अवेयर हो गए कि ठीक है हमारे को रैंडमली किसी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना, अगर हम श्योर हैं तभी आप लिंक पे क्लिक करेंगे, राइट. सो इससे क्या हुआ, ये जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर थे ये कम इंस्टॉल होने लगे बिकॉज नॉट एवरी वन इज क्लिकिंग अपॉन द लिंक्स. अब आपको कोई इधर उधर गूगल एड दिख गया या कोई ऐसे रैंडम लिंक दिख गया, यू विल नॉट क्लिक अबाउट क्लिक अपॉन इट बिकॉज यू नो इट मे हैव अ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट. हम सब इतने समझदार हो गए हैं आज की जनरेशन में कि हमारे को पता है कि अगर रैंडमली किसी भी लिंक पर हमने क्लिक करा तो वायरस आ सकता है, मेलवेयर आ सकता है, स्पाईवेयर आ सकता है. सो वी अवॉइड क्लिकिंग अपॉन सच रैंडम लिंक्स, राइट. तो अब क्या हुआ, पेगासस वालों ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली नोन एज जीरो डे एक्सप्लॉइट. Now the question is, what is the zero day exploit? ये updated version का नाम है जो Pegasus का updated version है. जैसे आपने देखा होगा Android में आता है KitKat आ गया, Jelly Bean आ गया, ये सब Android के नाम है. Similarly Pegasus का एक updated version आया जिसका नाम है zero day exploit. तो जैसा मैंने आपको बताया कि link पे click करना पहले जरूरी था, it was mandatory for you to click upon the link to install the spyware. Zero day exploit is an extremely smart spyware. This is the new update in which you don't have to click upon the link. मतलब कि अगर आप link पे click नहीं भी कर रहे तब भी spyware will get installed in your phone. इतनी updated technology है. So यहां पे क्या question बनता है, यहां पे GS mains paper 3 और SA examination के point of view से सीधा सीधा question बनता है that science is the panacea for growth. कि साइंस हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है लेकिन एट द सेम टाइम साइंस के नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, जैसे कि ये पेगासस स्पाईवेयर, राइट. तो अगर आपको साइंस के नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं, यू हैव टू हाईलाइट द नेगेटिव, द डाउनसाइड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट हाउ इट कैन बी मिसयूज्ड, देन पेगासस वुड बी अ वेरी गुड एग्जांपल इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. आज के जमाने में पेगासस बहुत अच्छा एग्जांपल होगा क्योंकि ये न्यूज में है और काफी ज्यादा लेटेस्ट है ये, राइट. इवन कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि आपको पता होगा दैट देयर वाज दिस जर्नलिस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया जमाल खशोगी. जमाल खशोगी का जो मर्डर किया गया था उस मर्डर से पहले भी उनके फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किए गए थे, उनकी लोकेशन, उनका डेटा, उनके कन्वर्सेशंस एक्सेस किए गए थे एंड इट वाज ओनली आफ्टर दैट दैट हिज मर्डर वाज प्लान्ड. तो कहीं ना कहीं दिस सॉफ्टवेयर मे पोज अ ग्रेट सिक्योरिटी थ्रेट टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज एंड अदर पीपल एज वेल. तो ये जो जीरो डे एक्सप्लॉइट है पेगासस का, बिना लिंक पे क्लिक करे इट विल गेट इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल फोन. कैसे, अलग अलग तरीके होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, जीरो डे एक्सप्लॉइट ऐसा एक्सप्लॉइट है कि अगर आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल दी, यू जस्ट क्लिक्ड ऑन द कॉल बटन, आपने व्हाट्सएप कॉल किया मेरे को और मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि अननोन नंबर था, मैंने फोन ही नहीं उठाया, लेकिन तब भी अगर मैं फोन नहीं भी उठा रहा तब भी ये जीरो डे एक्सप्लॉइट ऑटोमेटिकली मेरे फोन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा. लुक एट द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी यहां पे, कि मैंने फोन नहीं उठाया, मैंने किसी लिंक पे भी क्लिक नहीं करा, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ मेरे को एक मिस्ड कॉल दी एंड दिस सॉफ्टवेयर गॉट इंस्टॉल्ड इन माय मोबाइल फोन विदाउट माय नॉलेज. एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे फोन में ऐसा कुछ इंस्टॉल भी हो गया. सो दिस इज व्हाट द जीरो डे एक्सप्लॉइट इज. जीरो डे एक्सप्लॉइट मतलब कि एक दिन का भी डिले नहीं होगा. जैसे ही हम सोचेंगे कि हमारे को स्पाईवेयर इंस्टॉल करना है किसी फोन में, हम सिर्फ एक व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल दे देंगे और ये स्पाईवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा उस फोन में. नाउ पॉइंट हियर इज कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप तक लिमिटेड है? जवाब है ना. दिस सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड फॉर एनी एप्लीकेशन. अभी इन्होंने क्या करा, ये जो पेगासस है इन्होंने व्हाट्सएप के लिए डेवलप करा, लेकिन मान लीजिए अब लोगों को लगा कि दैट वी शुड नॉट यूज व्हाट्सएप बिकॉज इट इज गेटिंग इन्फेक्टेड बाय पेगासस. बट द क्वेश्चन इज, लेट अस से यू आर यूजिंग टेलीग्राम, लेट अस से यू आर यूजिंग वी चैट, लेट अस से यू आर यूजिंग बीबीएम और एनी अदर एप्लीकेशन,
this Pegasus can be established, this can be developed, this can be prototyped for any application. Even agar aap Instagram use kar rahe ho, Facebook Messenger use kar rahe ho, ya using Snapchat, aapko randomly kahin se bhi koi snap aaya, kahin se Instagram pe koi message aaya, Messenger pe missed call aa gayi, ho sakta hai ki Messenger ki missed call se hi aapke phone mein install ho jaye. Aise bhi modifications possible hain. कहने का मतलब ये है, प्रीलिम्स में यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बनता है दैट दिस इज ओनली व्हाट्सएप स्पेसिफिक. आंसर इज नो, इट कैन बी इंस्टॉल्ड थ्रू एनी ऐप. अभी उन्होंने व्हाट्सएप का वर्जन इंस्टॉल करा है, कल को मान लीजिए आपके ट्विटर पे कोई रैंडम मैसेज आता है या फिर आपकी कोई और एप्लीकेशन में कोई मैसेज आता है, उसके थ्रू भी ये इंस्टॉल हो सकता है. सो दिस इज नॉट व्हाट्सएप स्पेसिफिक, इट कैन बी डेवलप्ड, इट कैन बी एस्टैब्लिश फॉर एनी एप्लीकेशन, नो मैटर आप कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो. सो व्हाट्सएप कि आप ये सोचो कि मैं व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दूंगा सो दिस प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व, आंसर इज नो. इफ यू आर यूजिंग एनी अदर एप्लीकेशन, इट कैन बी डेवलप फॉर एनी अदर एप्लीकेशन एज वेल. इट इज अ फोन स्पाईवेयर, प्लीज नोट, इट इज नॉट अ व्हाट्सएप स्पेसिफिक स्पाईवेयर, इट इज अ फोन स्पाईवेयर कि आपके फोन में किसी भी तरीके से ये इंस्टॉल किया जा सकता है. अब मान लीजिए इसका मॉडिफिकेशन कैसे पॉसिबल है. लेट अस से आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल, मैंने एक मार्केटिंग का ईमेल तैयार करा और मैंने आपको वो भेज दिया, यू ओपन दैट ईमेल. अब उस ईमेल में आपको लगेगा कि ठीक है मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, जोमैटो, इन सब का ऐड हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो आगे का फ्रंट फेज हो, पीछे मैंने ऐसी कोडिंग कर रखी हो कि जैसे ही आप ईमेल खोलो आपके फ़ोन में पेगासस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए. सो वो भी पॉसिबल है. कहने का मतलब यह है दैट इट इज़ नॉट अ व्हाट्सएप स्पेसिफिक स्पाईवेयर, इट इज़ अ फोन स्पेसिफिक स्पाईवेयर कि पूरे फोन में किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू दिस कैन बी इंस्टॉल्ड. तो व्हाट्सएप डिलीट करना, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. सोल्यूशन इज कि जो हमारे एप्लीकेशंस में और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स में जो बग्स हैं हमारे को उन्हें ठीक करना होगा. मतलब कि कहने का मतलब यह है दैट एज फार एज दिस स्पाईवेयर इज कंसर्न्ड, इट कैन एंटर योर फोन बेसिकली यूजिंग टू मीन्स. लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज योर फोन एंड दिस इज एन एप्लीकेशन. इसको ऐसे समझो, थोड़ा इजी करके समझते हैं. अब आप यहां पर देखो, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देखो आप, दैट देर आर टू वॉल्स, वॉल नंबर वन of your phone and wall number 2 of the specific application, right? This spyware will enter your phone. Maan lijiye this is WhatsApp. Ab WhatsApp pe maine aapko ek link bheja, exploit link ya koi code bheja, yahan se maine kuch bheja. It will come out of the application. It will come out of the application if wall 2 is weak. अगर आपकी application का software weak है तो यह बाहर आएगा और फिर यहां से बाहर निकल के पूरे phone में आ जाएगा बाहर if this first wall is weak. ये थोड़ा technically incorrect example है लेकिन समझने के लिए सही है कि आपकी अगर application weak है तो ये जो code आया ये आपकी application से बाहर आया, और अगर आपका जो phone का OS है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके फोन का, अगर वो भी वीक है तो ये बाहर निकल के पूरे फोन में फैल जाएगा. द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दिस मेनेस ऑफ स्पाईवेयर, ये जो स्पाईवेयर्स का एक आतंक है, इट कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड, गूगल, फॉर एग्जाम्पल एप्पल iOS, फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, और इनके साथ साथ द एप्लीकेशंस, द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशंस सच एज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक एटसेट्रा, दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन देयर सॉफ्टवेयर्स. तो कहने का मतलब यह है कि यह जो स्पाईवेयर फैल रहा है, दिस इज नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपर. ये एप्लीकेशन डेवलपर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइडर एज वेल एज द प्रोवाइडर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कि मान लीजिए आपके फोन में एंड्रॉयड का कोई अपडेट आया, एप्पल का कोई अपडेट आया, iOS अपडेट हुआ, उसमें ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए कि आपके फोन में अगर पेगासस है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे.
एप्लीकेशन जो है कि व्हाट्सएप का अपडेट आया, मैसेंजर अपडेट हो गया, इंस्टाग्राम अपडेट हो गया, उनमें ऐसे अपडेट होने चाहिए कि अगर पेगासस बाहर से आ रहा है तो दे शुड ब्लॉक देम. सो इट इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रिलिम्स एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अब समझते हैं कि पेगासस एग्जैक्टली कर क्या सकता है, व्हाट ऑल पेगासस कैन डू. Pegasus is basically a spyware that can access your call logs, browsing history, contacts, calendar events. आपने save कर रखा है कि ठीक है मेरे को New Year party में जाना है, Christmas event पे जाना है. It can access all of that. Your passwords. आपको पता होगा कि हम अपने applications में password आजकल save करके रखते हैं. Your bank details, UPI, Bheem, Paytm, etc. It can turn on the microphone as well. For example, you are sitting in a negotiation, you are sitting in a meeting. और आपके competitor को जानना है कि आप exactly कर क्या रहे हो. आपके फोन में उन्होंने पेगासस डलवा दिया. पेगासस हैज दिस फीचर कि वो माइक्रोफोन ऑन कर सकता है. आपको पता भी नहीं चला, माइक्रोफोन ऑन हो गया और आपकी सारी नेगोशिएशंस लीक हो गई कहीं तीसरी जगह पे. इट कैन टर्न ऑन द कैमरा एज वेल एंड इट हैज द लोकेशन सर्वेलेंस एज वेल. कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई थ्रेट है और जिन लोगों ने आपको थ्रेट दिया उनको आपकी लोकेशन जाननी है, तो पेगासस के थ्रू योर लोकेशन कैन बी इजीली एक्सेस्ड. इसके अलावा अदर फीचर्स ऑफ पेगासस आर that it has extremely small size over the phone. इसका मतलब ये ज़्यादा RAM और ज़्यादा memory use नहीं करता. क्या होता है कि जो application ज़्यादा RAM use करती हैं they make the phone slow. जो phone की speed है वो slow हो जाती है. Pegasus is a very light software. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके phone में, क्योंकि ये phone को slow नहीं करता. It does not impact the speed of the phone. It does not impact the memory of the phone. बहुत छोटा size है. तो यहां पे आप ये देखिए कि आपका फोन की परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं हो रही, आपके फोन की स्पीड इंपैक्ट नहीं हो रही, आपके फोन की मेमोरी इंपैक्ट नहीं हो रही एंड इट कंज्यूम्स मिनिमल बैटरी. आपके फोन की बैटरी भी कंज्यूम नहीं हो रही, तो आपको शक ही नहीं होगा, यू विल नॉट हैव अ डाउट दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई फोन, कि मेरे फोन में कुछ गड़बड़ है. आपको पता ही नहीं चलेगा. एंड द बेस्ट फीचर ऑफ पेगासस इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म. सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म का मतलब है कि मान लीजिए मैं स्पाइंग कर रहा हूं किसी के ऊपर यूजिंग पेगासस. अब मेरे को यह लग रहा है कि सामने वाले को पता चल गया दैट देयर इज पेगासस इन हिज फोन. मैं यहां से अपनी साइड से कमांड दूंगा, पेगासस अपने आप को उसके फोन में डिस्ट्रॉय कर देगा विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यू फाइल. सो इट हैज अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म कि मैंने यहां से कमांड दिया कि ठीक है अब मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, पेगासस उस फोन में अपने आप को खुद अनइंस्टॉल कर देगा. सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म, राइट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पेगासस, दिस इज द इम्पॉर्टेंस. ये सारी टेक्नोलॉजी है, फोन स्पेसिफिक है, पूरे फोन में फैल सकता है, नॉट ओनली एप्लीकेशन स्पेसिफिक. और व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, एक जो बात की जाती है कि व्हाट्सएप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, तो समझने वाली बात यह है कि अगर हम व्हाट्सएप के एंड टू एंड एनक्रिप्शन की बात करें, देखिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हाय और सेंड करा दूसरी पार्टी को, एनक्रिप्शन हो रहा है इस ट्यूब में, ये जो नेटवर्क है एनक्रिप्शन हो रहा है इस ट्यूब में. कि लेटर से मैंने लिखा हाय और यहां पे कुछ ऐसा पैटर्न बन गया, मेरे को नहीं पता चल रहा कि क्या है ये. अब जैसे ही इस फोन में मैसेज आया ये दोबारा हाय हो गया, डिक्रिप्ट हो गया. जो पेगासस है दैट इज नॉट इंस्टॉल्ड हियर. पेगासस इस ट्यूब में इंस्टॉल नहीं हो रहा. पेगासस या तो यहां पर इंस्टॉल हो रहा है या यहां पे इंस्टॉलर है जहां पे मैसेज इज विजिबल, राइट. जहां पे मैसेज विजिबल है वहां पे पेगासस इंस्टॉल हो रहा है. कि ठीक है यहां पे मैंने इंस्टॉल कर दिया, जैसे ही मैसेज आया मेरे को ऑटोमेटिकली आपके फोन का स्क्रीनशॉट आ गया, तो इसमें इंक्रिप्शन कुछ कर ही नहीं सकता. इंक्रिप्शन तो ट्यूब में हो रहा है, मैंने ट्यूब में थोड़ी ना लीकेज क्रिएट करी है. मैंने लीकेज क्रिएट करी है आपके फोन में. आई क्रिएटेड दिस लीकेज इन योर फोन, नॉट इन द ट्यूब. सो एंड टू एंड इंक्रिप्शन is not really linked with Pegasus per se, right? तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पे. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइए. डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो इफ यू प्लान टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदित गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस.